फ्रेंड्स, मैंने अभी फातिहा कौनी कर ली है। यहाँ पर ये मैं रफ़ी साहब की मज़ार आपको दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ बाजू में है हमारे रफ़ी साहब की जो वाइफ है बिल्किस, वो उनकी ये कब्र है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तीसरा नारियल का पेड़, बस ये सारे लोग एक कब्रिस्तान में। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अभी लोग खड़े हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे साथ साहब, हमारे साथ रफ़ी साहब के फ़ैन हैं। मैं चाहूँगा कि दो शब्द रफ़ी साहब के बारे में जरूर बताएं। रफ़ी साहब बोले तो हमारे इधर स्थान है, रफ़ी साहब का स्थान बोले तो। सर आपका नाम? मेरा नाम योगेश राणे। योगेश राणे साहब, मैं बांद्रा ईस्ट में रहता हूँ, और रफ़ी साहब को बहुत चाहता हूँ, बहुत, मतलब मैं उनका बहुत फ़ैन हूँ। यस यस यस, रफ़ी साहब के गाने और इंसानियत, रफ़ी साहब की इंसानियत। यस यस, आज के तारीख में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। ये बात है। और रफ़ी साहब के बारे में क्या बताऊँ, उनका गाना प्लेबैक सिंगिंग क्या थी, प्लेबैक सिंगिंग किसको बोलते हैं। यस, रफ़ी साहब ने बताया। यस, सिंगिंग ये है। यस यस यस, जैसा हीरो वैसी आवाज़। बरोबर। यस यस, एक ही आदमी कर सकते हैं रफ़ी साहब, बाकी कोई नहीं कर सकता है। यस सर, बिल्कुल। साहब आपका नाम? बहुत आपका नाम? हाँ, कुठून आला तुम्ही? मुलुंड वेस्ट लागतं। ऍक्च्युली मी खेड्यामध्ये राहिलो होतो, ओके, सोटीपासून। ओके, माझे मामा मला शेतात गाय म्हशी हाकायला तेव्हा एक कुठून टाकत असायचे, इथून ते मला 25 पैसे 10 पैसे ते मला दाखवायचे पिक्चर। रिपीट, तेवढा मेमरी एवढी स्ट्रॉंग होती ना, सर्व याद राहायचं। सर्व तेच गाणे दुसऱ्या दिवशी आम्ही राहायला रोड तेव्हा माझ्याकडून बोलून घ्यायचे, पण मला लक्षात नाही घे असं काय करतात, नंतर लक्षात आलं त्यावेळेस कुठे एवढा काही प्लॅटफॉर्म। बरोबर। रफी साहेब असे आहेत की रफी साहेबांचं इंटरव्ह्यू झालेलं आहे। बरोबर, मतलब त्यांचं एकच वाक्य आहे, सिंगर काय पण असू द्या, कोण पण असू, पण सबसे अच्छा इंसान बनना जरूरी है। यस यस, इंसान बन। सब आदमी सब बने गए। राइट, ऊपर वाला बराबर देता है आप। बिल्कुल। राइट। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर देख रहे फैन, यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए। और एक भाई साहब हमारे साथ है। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सलाम। कहाँ से आए सर आप? जूपे रहते हैं। अच्छा अच्छा, नमाज को आता हूँ। जी में भी जी। कौन है, क्या है? बरोबर। यस यस यस, मेरे भी सास ससुर इधर ही है। अच्छा जी, सुबह में नमाज को आता हूँ। जी। चलो अच्छी बात है, आप हमेशा रोज आते हो, तो अब हम लोग बिल्कुल बोलो ना। पिक्चर मतलब नहीं, ये तो सुबह से लाइन लगी। हाँ, यस यस, रफी साहब के लिए सुबह से लोग आए, बहुत पब्लिक आए। जी। मैं बताऊँ, 25% मुस्लिम आए तो 75-80% नॉन मुस्लिम अदर कर। यस यस यस, उनको चाहिए उनको, हर कोई, हाँ, लोग जो बोले ना, हाँ, मालूम है, हर कोई वही बोलता है, इंसानियत। बोला। हाँ, बोला। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है। क्या बात है। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती नया गीत बन जाता है। क्या बात है थैंक यू। वो देखिए चाहने वाले और रफ़ी साहब के यहाँ पर है, और लोग सुबह से लगे हैं यहाँ पर। मैं घर पर जाकर आया अभी, वहाँ पर भी बहुत लाइन थी। काली से गाना मतलब आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, क्या बात है, मैं चला जाऊंगा, क्या बात है। वेरी गुड। तो ये देख रहे हैं आप सारे लोग, और बस मैं आपको फिर ऐसे मिलता रहूंगा। एक बार फिर आप दीदार कर लीजिए रफ़ी साहब के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।